नाचन लागी ओले में लगी मन, अरे भागन लागी ओले में लगी मन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिर माय न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज है वट सावित्री का व्रत रखा है सबने, तो मैंने भी रखा है। और वैसे तो व्रत निर्जला भी रखते हैं, मतलब पानी नहीं पीते हैं इसमें बोलते हैं, पर मैंने पानी पी लिया था, जूस भी पी लिया था मैंने और फ्रूट्स भी खा लिए थे थोड़े से, क्योंकि मेरा जो है अभी 5th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो इसमें जो है सब लोगों ने कहा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम बगैर पानी के रहो इसमें, क्योंकि अगर हमारे अंदर जो बेबी है वो भूखा रह जाएगा तो वो एक तरह से पाप लगता है। तो जो है हमें, अगर हम व्रत कर रहे हैं तो उसमें बेबी का भी पूरा ध्यान रखना है हमें। तो इसलिए मैंने जो है आज जो है इस बार जो है मैंने फ्रूट्स खा लिया था, थोड़ा सा सुबह नहा धो करके अपना पूजा पाठ करके अपनी चाय पी थी, उसके बाद फिर बहुत देर रुकी थी मैं, लेकिन फिर जो बेबी है वो जोर जोर से किक करने लग गया था, उसे भूख लग गई होगी, तो फिर मैंने फ्रूट्स थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो अभी जो है भाभी और मैं पूजा करेंगे। अब दिन में 12 बजे के बाद ही पूजा करते हैं ऐसा बोलते हैं, तो अभी जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं, भाभी भी रेडी हो गई है, तो बाकी सारा सामान जो है सब हमने मंदिर में रख दिया है। बाकी अब पूजा करते हैं और उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। और आज का मेरा जो लुक है, मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है और बाकी ये जो है मैं चूड़ियाँ लेके आई थी कल मार्केट से, तो ये पहनी है, बाकी और तो कुछ नहीं, नथ नहीं पहनी है मैंने, बहुत ज़्यादा वो लग रहा था हैवीनेस जैसा, तो मैंने नथ नहीं पहनी है। तो अभी चलते हैं पूजा करने, तो आगे का व्लॉग जो है पूजा करके कंटिन्यू करते हैं। कि अभी जो है आजकल जेठ का महीना भी लग रहा है, तो जो मेरे जेठ जी हैं, भैया हैं, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, क्योंकि मैं अभी जो है आजकल 3-4 दिनों से सीता लोगों के यहाँ पे रह रही हूँ, दीदी के यहाँ पे रह रही हूँ, सीता के घर पे, बड़ी वाली दीदी हैं उनके यहाँ पे घर पे रह रही हूँ। तो अभी मैं वहीं से आई हूँ क्योंकि भैया फिर चले गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, इसलिए मैं अपने घर वापस आई। और अभी जो है भाभी और मैं मिलके पूजा करेंगे। ये जो पूजा होती है जोड़े में रखते हैं, वैसे तो मंदिर में भी जाते हैं, बट मंदिर में क्या होता है कि अभी थोड़ा सा मुझे 5th मंथ चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि कोई कुछ सोचता है, लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है, तो उस वजह से हम लोग जो है घर पर ही कर रहे हैं इस बार। तो बाकी घर में भी अच्छा है, दो जने हम लोग, देवरानी जेठानी, हम घर पे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं पूजा करने चलते हैं, देखते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने पूजा करी। तो चलिए चलते हैं।
पूजा ख़त्म हो चुकी है तो अभी जो है अब जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जल्दी जाती हूँ घर, दीदी के घर, क्योंकि भैया भी आने वाले होंगे और फटाफट से चलते हैं, आगे का व्लॉग जो है वहीं कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फटाफट जाती हूँ, नहीं तो भैया आगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है और जेठ जी का चेहरा नहीं देखते। तो अभी चलते हैं, बाय बाय। ये है, इसमें तरी वाली आलू की सब्ज़ी है, सेवई है, पनीर की भुजी है, आलू के गुटके हैं, रायता, पनीर की भुजी और ये पूड़ी। तो अभी ये खाना खाती हूँ फटाफट से।